कौशिक हाँ जी, जी, हाँ हुड्डा को गिराने के लिए, हुड्डा मजबूत मजबूत हुड्डा है कांग्रेस का, लेकिन उसको गिराने के लिए आप सुरजेवाला है, किरण है, चाहे शैलजा इकट्ठे हो गए एस आर के जैसा बताया मुनीष जी ने, तो क्या क्या आपसी गुटबाजी कांग्रेस को नुकसान करेगी? बस इतना बता दीजिए, उसके देखिए ये बाद मैं आपको गुटबाजी नहीं है, ये गुटबाजी गुटबाजी तो नहीं है, तो अपना किसी अपना की भी वो प्रदर्शन है नुकसान ही सबका। करती है। इन लोगों का क्या बुरा हाल हुआ गुटबाजी में सबके सामने है भाई, देखिए मोदी जी ने पता है दर्द अब तक नहीं गया। और दूसरी बात, ये कारी थी इन्होंने 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 सुनो मेरी बात, करनाल के सांसद संजय भाटिया जी के खिलाफ बोलिए मैडम, पता है दीनदयाल उपाध्याय स्कीम के तहत कोई भी 5 एकड़ से जमीन ज्यादा पे कोई भी कॉलोनी काट सकता है, कहीं उसका नाम या उसके नाम से दिखा दे, ये कहने से किसी से कोई भ्रष्टाचारी नहीं साबित होता, ऐसे बोलने से नहीं होता। कितना विकास हुआ मैडम को भी पता है, सब पता है करनाल में कितना विकास हुआ। और जहां तक यूनिवर्सिटी कॉलेज की, जितनी यूनिवर्सिटी की कॉलेज की बात करती है, हर साल में कॉलेज खोले गए हैं, महिलाओं के खोले गए हैं, आपने पता आज तक रिकॉर्ड है जितनी यूनिवर्सिटी बनी, आप आरटीआई लेके रिकॉर्ड ले सकते कितनी यूनिवर्सिटियां बनी है भाजपा के टाइम में, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी आप रिकॉर्ड मांग सकते हैं। पता क्या है मैडम को, तो ऐसे ही बोलने की आदत है, मेरे को तो लगता है पूरे आंकड़े इनके पास नहीं होते, जितने कॉलेज यहाँ बने हैं कहीं नहीं बने, किसी को सीधा आरोप ऐसा लगाना नहीं चाहिए बिना तथ्य के, बिना तथ्य के कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री भाई नलो वाले का तो मैंने पता है भाई, ज्यादा दिन नहीं है, थोड़े दिन देख लो, अभी पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे हैं, आगे वोट परसेंटेज का भी पता चल जाएगा और आपकी सीटों का पता चल जाएगा। हमारे तो हर गली मोहल्ले में मैंने यूनिवर्सिटी खोल दी, आईआईएम खोल दिया, आईआईटी खोल दी, इन लोगों ने कभी पता चल जाएगा जनता की गर्दन में माई बाप है, लोकतंत्र में माई बाप है, वो दिन में करेंगे किसने अच्छा काम किया, किसी ने पीछे अच्छा काम किया, पिछली गली में आने वाले चुनाव में मनोहर लाल खट्टर जी दोबारा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और पहले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, देख लो आप।